हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो था वो है माइक्रोपोपगेशन एंड सोमा क्लोनल वेरिएशन। पर सबसे पहले हम देखेंगे माइक्रोपोपगेशन। उसको सबसे पहले बीबर ने दिया था। और माइक्रोपोपगेशन का मतलब होता है माइक्रो यानी कि सूक्ष्म, और प्रोपोगेट करना यानी कि उसे बढ़ाना। तो इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी एक प्लांट है जो कि हमारा डिजायरेबल प्लांट है, उसका एक पोर्शन स्टराइज करते हैं और उससे हम सिमिलर उसी तरीके का एक दूसरा क्लोन क्लोन तैयार करते हैं। क्लोन का मतलब है जैसा या हूबहू। तो जो जिस प्लांट का हमने एक पोर्शन लिया है, ग्रो करवाया, वो जो प्लांट ग्रो होगा वो एज इट इज अपने प्रीवियस प्लांट की तरह होगा। क्योंकि जो जेनेटिक वेरिएशन या जो जीन जर्म प्लाज्म हमने उस छोटे से पार्ट से लिया है, वो एज इट इज क्या होगा, कन्वर्ट होता, मतलब सॉरी, वो प्रोपगेट होता रहेगा सेल टू सेल। जैसे जैसे डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा। तो इसमें अलग अलग हमारे मेथड्स हैं जिसके हम माइक्रोपोपगेशन करते हैं, यानी कि हम उसे ग्राफ्टिंग से ले सकते हैं, कटिंग से ले सकते हैं, उसके हम बडिंग से ले सकते हैं। और मोस्टली जो हम पौधे या फल यूज करते हैं, ये हेट्रोजाइगस होते हैं। तो हेट्रोजाइगस होने का ये फायदा है कि हेट्रोजाइगस में जो वेरिएबिलिटी वो मिलेगी, वो हमें क्या मिलेगी, हाई मिलेगी। होमोजाइगस में क्या होगा, एक ही तरीके के जीन हमें मिलेंगे, यानी एक ही करेक्टर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्लांट हाइट की बात कर रहे हैं, तो प्लांट हाइट क्या है, वो हाई मतलब लॉन्ग है या शॉर्ट है। देन कलर ऑफ फ्लावर से, फॉर एग्जाम्पल, अगर वो पिंक है तो जो फर्दर जनरेशन है वो पिंक कलर के ही फ्लावर्स प्रोड्यूस करेगी। अगर हम बात करते हैं हेट्रोजाइगस की, तो हेट्रोजाइगस में कंडीशंस हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती है एज कंपैरिजन टू होमोजाइगस। कुछ मेथड्स हैं माइक्रोपोपगेशन के यहाँ पे, जैसे हमारा है, पहला है प्रोलिफ्रेशन ऑफ और प्रोपोगेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स। एक्सिलरी बर्ड्स कौन सी होती हैं, जो एक फर्दर फ्लावर में कन्वर्ट होती हैं, उसका हम प्रोलिफ्रेशन करा सकते हैं। या फिर हम देन रीजनरेशन ऑफ बर्ड्स बल्ब एंड प्रोटोकॉन्स, यानी कि कोई भी आंख, अपस्तनिक आंख यानी कि जो नोड्स होती है वहां पे पुनर्जनन का जो रेट होता है वो हाई होता है। देन थर्ड है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, देन माइक्रोपोपगेशन थ्रू आर्टिफिशियल सीड्स, या फिर डिजीज फ्री प्लांट्स फ्रॉम मेरिस्टम कल्चर। फर्स्ट हमारा है प्रोलिफ्रेशन और रीजनरेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स, यानी कि जो हम पोर्शन लेंगे उसका प्रोलिफ्रेशन कराएंगे फर्दर, यानी कि उसे ग्रो कराएंगे। मोस्टली हम इसमें साइटोकाइनिन यूज करते हैं, एक केमिकल या इससे हार्मोन हम कह सकते हैं, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन यूज करते हैं हम सेल डिवीजन में, ये सेल डिवीजन को इनहेंस करता है। और सेल डिवीजन में भी ये क्या करता है, शूट टिप्स को ज्यादा इनहेंस करता है, और जिसे हम नोडल सेगमेंट्स का कल्चर भी बोलते हैं। कुछ स्पीशीज में जो ऑक्सिन का भी यूज करते हैं हम, ये ऑक्सिन है वो मोस्टली रूट एंड शूट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन मोस्टली शूट के लिए होता है। जिबरलिन जबकि होता है वो फर्दर डेवलपमेंट के लिए हम यूज करते हैं। मोस्टली हम देखते हैं कॉम्बिनेशन में साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन का एक प्रोपोर्शन या एक रेशियो लेके चलते हैं, यानी कि यहाँ पे अब हम देखें, जैसे कुछ स्पीशीज में ये क्या होता है, एक्सिलरी ग्रो करती हैं, यानी कि ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं। अब हम ज्यादा से ज्यादा इसको 5 से 6 बार इसको हम
एक साल में 5 से 6 बार इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका रीजनरेशन कर सकते हैं। अब जैसे शीशम है, ब्लूबेरी है, ऐसे कुछ स्पीशीज हैं जिसमें माइक्रो प्रोपगेशन यानी कि एक्सिलरी बड्स से ग्रोथ नहीं होती है। जैसे हम इसमें आपको अलग अलग स्टेप्स में हम अगर देखें तो ये प्लांट है, इसमें बड मेरिस्टम है यानी कि जो हमने बड यानी कि जो फ्लावर का जो फर्स्ट कली जिसे बोलते हैं हम, वो लेते हैं, उसको हम फिर प्लांटलेट में कन्वर्ट करते हैं और प्लांटलेट को हम फिर फर्दर पॉटेड प्लांट में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि सबसे पहले हमने क्या लिया, हम जो भी हम प्लांट ले रहे हैं, हमारा डिजायरेबल प्लांट जो हम लेंगे उसे हम मदर प्लांट बोलते हैं। और जरूरी नहीं है कि जो प्लांट हम ले रहे हैं वो क्या हो, मतलब वो फीमेल होना जरूरी नहीं है, मेल भी हो सकता है, लेकिन वो कहलाएगा मदर प्लांट ही। मदर प्लांट इसलिए क्योंकि जो माइक्रो प्रोपगेशन की हमारी टेक्निक है वो स्टार्ट हुई है उस इनिशियल प्लांट से, तो यानी कि वो मदर प्लांट होगा। देन हम उसका एक पार्ट लेंगे, पार्ट कोई भी हो सकता है, एक्सिलरी बड हो सकता है या फिर कोई शूट टिप हो सकता है, लीफ पार्ट हो सकता है, जिसे हम एक्सप्लांट बोलते हैं, और ये कहलाती है स्टेज 1 यानी कि हम उसे एस्टेब्लिश कर रहे हैं। उसके बाद हम उसका सरफेस स्टेरिलाइजेशन एंड वॉशिंग करते हैं और उसको फिर एक प्रॉपर ग्रोथ मीडियम में ट्रांसफर कर देते हैं। ग्रोथ मीडियम होता है उसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, देन उसको हम प्रोलिफ्रेशन मीडियम पे यूज करते हैं। प्रोलिफ्रेशन मीडियम वो होता है जिसमें हम स्पेसिफिकली हमें कौन सा कोई भी एक प्लांट है उसका हमें रूट डेवलप करना है या उसकी लीफ डेवलप करनी है या उसकी शूट डेवलप करनी है, कौन सा पार्ट हमें प्रोलिफ्रेट या ग्रो करना है उस पे डिपेंड करेगा कि जो हमारा प्रोलिफ्रेशन मीडिया है वो कौन सा है। देन उसके बाद हमारा आता है शूट और एम्ब्रॉयड फॉर्मेशन, और फिर हम उसे क्या करते हैं, स्टरलाइज सॉइल्स होती है या फिर आर्टिफिशियल मीडियम है उसमें हम क्या करते हैं उसको ट्रांसफर कर देते हैं। ये चार्ट के द्वारा आपको बताया गया है। जैसे शूट, पहले हमने ये मदर प्लांट लिया, मदर प्लांट, देन उससे हमने क्या किया, शूट टिप लिया, शूट टिप से हमने उसका प्राइमरी कल्चर, प्राइमरी कल्चर वो होता है जहाँ पे कैलस फॉर्मेशन शुरू होता है, एक सेल है वो अनऑर्गेनाइज मास में ग्रो होना शुरू करती है, उसके बाद हम उसका एक्सिलरी शूट प्रोलिफरेशन कराते हैं। यानी कि जो कैलस कल्चर में हमने पहले पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, जब कैलस कल्चर हमारा तैयार हो जाता है उसके बाद हम डिफाइन करते हैं कि उसको शूट में कन्वर्ट होना है या रूट में। देन बारी आती है शूट के बाद रूटिंग की, क्योंकि रूटिंग जरूरी है, रूटिंग के बिना हम उस प्लांट को फर्म नहीं रख पाएंगे। उसके बाद हम जब आर्टिफिशियल मीडियम में फिर स्टेराइल सॉइल में उसे क्या कर देते हैं, प्लांट कर देते हैं, उसके बाद से पॉट में कन्वर्ट कर देते हैं, पॉटेड प्लांट में। देन हमारा आता है रीजनरेशन ऑफ बर्ड्स बल्ब्स एंड प्रोटोकॉन्स। यहाँ पे कुछ स्पीशीज जैसे आर्किडो आदि में जो परागकणों का कल्चर करने पर गोलाकार आदि घनक जैसी संरचनाएं उत्पन्न होती हैं, यानी कि अलग अलग, जैसे हमने हर्ट और टॉर्पिडो शेप की बात की थी पिछले लेक्चर्स में, वैसे यहाँ पे अलग अलग जो कि बाद में विभाजित होके 3 से 5 आदि घनक बनाती हैं। तो प्रत्येक घनक को हम 4 से 6 टुकड़ों में काट कर प्रत्येक टुकड़े को नए फिर फर्दर नए वेसल में कन्वर्ट करके उसे कल्चर करते हैं, और एक वर्ष में हम लगभग 10 पौधों को ऐसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपका जैसे इसमें बताया गया है कि बल्ब जो होते हैं, शलकंद होते हैं या फिर जो स्केल्स होती हैं उनको के टुकड़ों को हम क्या करते हैं अलग अलग कल्चर करते हैं, और हमें 4 से 6 सप्ताह में एवरेज 18 बल्बलेस जो है वो प्राप्त होती हैं।
ये डिपेंड करता है कि स्पीशीज कौन सी है। ये जो नंबर हमें दिए गए हैं ज्यादा कम भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमने जो स्पीशीज लिए, जो मदर प्लांट लिया है वो कौन सा है। देन हमारा आता है एडवेंशियस शूट बल्ब्स। एडवेंशियस शूट कौन सी होती हैं, जो शूट क्या है खाने लायक होती हैं। तो कुछ स्पीशीज हैं जैसे फ्लास्क की जड़ है, बिगोनियों की पत्तियां हैं, आदि में भी क्या है, अपस्निक आंखें, आंखें जो मोस्टली देखते हैं टोमेटो में। कई दिनों तक अगर हम पोटैटो को रख रहे हैं तो उसमें एक टाइम पीरियड के बाद क्या होता है, शूट डेवलप होना शुरू हो जाती है। और वो क्या करती है, जो पोटैटो और आलू का जो स्टार्च है वो यूज करके यहाँ पे क्या हो रहा है, वो शूट प्रोलिफरेशन हो रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एडवेंशियस शूट बर्ड्स बोलते हैं। हम यहाँ पे जो टुकड़े ले रहे हैं पत्ती के, वो हम 7x7 मिलीमीटर के टुकड़ों से शुरुआत करते हैं। जितना हम छोटा लेंगे एक्सप्लांट उतनी बेटर ग्रोथ होगी, क्योंकि जितना हम छोटा एक्सप्लांट लेंगे उससे क्या होगा, जो डिजीज फ्री जो कल्चर है वो हमें मिलेगा। क्योंकि सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कॉन्टेक्ट होगा एनवायरमेंट से, और जितना ज्यादा एनवायरमेंट से कॉन्टेक्ट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, हमें डिजीज का खतरा होगा। तो हमने हमने यहाँ पे क्या किया, जो मदर प्लांट है उसको हमने मेरिस्टम ऑफ शूट यूनिटी आइसोलेटेड, यानी कि हमने उसका जो शूट है का जो टिप है यानी जो अपर पोर्शन है वो आइसोलेट कर लिया, अलग कर लिया। उसके बाद हमने उसका शूट डेवलपमेंट करवाया साइटोकिनिन और ऑक्सिन रेशियो में। देन एक्सिलरी ब्रांचेस होती हैं, जो साइडवेज ब्रांचेस होती हैं उनको हम एक्सिलरी ब्रांचेस कहते हैं। देन हम उसकी रूटिंग करवा देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करें तो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में हम भ्रूण को पात्र विधि द्वारा काय कोशिकाओं या फिर उत्तकों अथवा पादप अंगों से अथवा सीधे ही उत्तकों से प्रवर्धन करते हैं, यानी कि हम इसका सीधा करते हैं। जो प्रोसेस है हमारी एंडोस्पर्म बनने की, उसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हटा रहे हैं। तब जैसे सबसे पहले स्टीवर्ड एट और रीनर्ट ने 1958 और 1959 में डेकस करोटा यानी कि कैरेट का सबसे पहले सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस से प्रोडक्शन या उसका प्रोलिफरेशन किया था। और उसके बाद गुहा एंड महेश्वरी ने 1964 में स्पोरोफाइटिक सेल्स कौन सी होती हैं, स्पोरोफाइटिक सेल्स वो होती हैं जो कि एक टाइम पे स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं जब हमारी जो कंडीशन है एनवायरमेंटल कंडीशन है वो सूटेबल नहीं होती है। तो जब एनवायरमेंटल कंडीशन सूटेबल नहीं होगी, यानी कि प्रॉपर वाटर नहीं मिलेगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे, तब जो प्लांट्स हैं वो अपने क्या करती है, स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यही स्पोर्स हम क्या करते हैं, सूटेबल कंडीशन में उसे ग्रो करवा लेते हैं। और इसमें जैसे हमारा ये धतूरा इनोक्सिया जो प्लांट है उसमें हम वो हमने कैसे प्राप्त किया था, माइक्रोस्पोर और जो जनरेटिव सेल्स होती हैं, कोई भी एक मदर सेल है उसमें क्या होगा, 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं, 2 एग्स होते हैं और 3 सिनर्जिड सेल्स होती हैं। तो ये प्रोसेस होती है एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन के टाइम। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कर रहे हैं यानी कि हमें इसमें ओवरी की जरूरत नहीं है, तो जहां पे हम ओवरी नहीं ले रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो माइक्रोस्पोर ये हमारी प्रोसीजर है जिसमें 2 सेल्स बनती हैं, उसके बाद 1 से 2 सेल्स, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रोसेस को के द्वारा हमने धतूरा इनोक्सिया को जेनरेटिव सेल यानी कि सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस से प्राप्त किया था। अब जैसे कोई ऑयल पाम है, खजूर है, पापलर, ये जो भी पौधे हैं इनकी स्पीशीज को भी हम सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस से रीट्राइव या रीग्रोथ करवा रहे हैं। अब जैसे ये चार्ट है, इस चार्ट में जो हमने बात की थी सोमैटिक यानी कि माइक्रो प्रोपगेशन की, उसमें रूटेड प्लांट था उसको हमने इनिशियल उसका एक्सप्लांट लिया, एक्सप्लांट लेने के बाद कैलस फॉर्मेशन हुआ। ये सिमिलर फॉर्मेशन है जो हमने पिछले लेक्चर में सेल कल्चर और कैलस कल्चर की बात की थी, सेम इसमें ऑर्गेनोजेनेसिस प्रोसेस हो रही है। और 3 वीक्स बाद क्या हो रहा है,
शूट फॉर्मेशन हो रहा है, और शूट फॉर्मेशन के बाद प्लांटलेट बन रही है, और वही प्लांट को हम फिर फर्दर उसको एज अ मदर प्लांट उसे यूज कर सकते हैं। देन हमारा फोर्थ स्टेप है माइक्रो प्रोपेगेशन थ्रू आर्टिफिशियल सीड्स। आर्टिफिशियल सीड्स जो होते हैं वो हम यूज करते हैं, जिसमें कोई भी जैसे या तो वो पेस्टिसाइड हो या एंटीबायोटिक हो या फिर सोमेटिक एम्ब्रियो। जैसे एक ब्यूरेट में हम क्या करते हैं, 2% सोडियम एल्जिनेट डाल देते हैं, और इसे बूंद बूंद करके यानी कि ड्रॉप वाइज ड्रॉप हम क्या करते हैं 100 मिलीमीटर कैल्शियम क्लोराइड के घोल में ड्रॉप कराते हैं। इससे क्या होता है कि एक लेयर बन जाती है कैल्शियम एल्जिनेट ही, यानी कि हमने क्या किया यहाँ पे, सिमिलर जो केमिकल रिएक्शंस हमारी होती हैं, यानी कि हमने सोडियम एल्जिनेट प्लस कैल्शियम क्लोराइड से प्रोडक्ट क्या बना, कैल्शियम एल्जिनेट। कैल्शियम एल्जिनेट की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो वाटर में यानी कि सॉल्युबल वाटर में एक अपना खुद का एनवायरनमेंट बना लेती है, जिसे हम बीड स्ट्रक्चर या हार्ड बीड का रूप धारण कर लेती है, और इस बीड को हम क्या करते हैं फिर 20 से 30 मिनट के बाद निकाल कर धो लेते हैं इससे। और ये जो बीड होती है ये हाइड्रेटेड होती है, क्योंकि इसमें जो एल्जिनेट है ये मॉइस्चर रीगेन करता रहता है, और जिससे हमारे जो सीड है वो हमेशा हाइड्रेटेड रहते हैं। उनकी जो बीज है वो खुली हवा में क्या होता है जनरली सूख जाते हैं, लेकिन इसमें इस टेक्निक द्वारा क्या होता है, ये हम हमारे नॉर्मल लैब्स में भी कर सकते हैं, बहुत ही इजी प्रोसीजर है, लेकिन हम हाइड्रेटेड जो सीड्स हैं इनको भंडारण यानी स्टोरेज के टाइम क्या करेंगे, जो तापमान है वो हम कम कर देंगे या फिर सीमित अवधि तक ही कर सकते हैं, क्योंकि जो केमिकल्स हैं उनकी एक पर्टिकुलर एज होती है, तो एज के हिसाब से ही हम क्या करेंगे फिर उनको स्टोर करेंगे। देन हमारा जो मैच्योर फेज होता है, यानी कि हम जो सीड्स हैं हमने यूज किए हैं उनको अगर हमें मैच्योरिटी की तरफ ले जाए, तो हम क्या करते हैं एब्सेसिक एसिड यूज करते हैं, जो कि क्या करता है सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस है, यानी कि जो कायिक भ्रूण है उनको क्या करते हैं मैच्योर परिपक्व भ्रूण है उनको उपयुक्त पॉलीमर से उपचारित अवतरित करके सुखा लेते हैं। अब इसमें आपके ये टेक्निक है, इनके फायदे क्या क्या है, फायदे पहला तो है कि हैंडलिंग है वो इजी है हमारी, और सेकंड है कि इसको हम करीबन 1 साल तक उसको हम आर्टिफिशियल बीज को स्टोर कर सकते हैं, कि इससे ज्यादा स्टोर हम नहीं कर सकते, वरना ये हार्डनिंग इसकी जरूरत पड़ती है। हार्डनिंग क्या होता है कि हम इनको सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस को सबसे पहले खेतों में बोने के लिए इनको अगर हम लेके जा रहे हैं, तो उससे पहले हम इनकी हार्डनिंग करेंगे, यानी कि हम जो कल्चर हमने बनाया था कैल्शियम एल्जिनेट का, उससे हम उसे क्या करेंगे प्लांटलेट में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद उन सीड्स को हम खेतों में बोने के लिए अवेलेबल करेंगे। देन है मेरिस्टम संवर्धन से रोग मुक्त पौधे, यानी कि हम जो भी मेरिस्टम कल्चर यूज कर रहे हैं उसमें वो जो प्लांट्स ग्रो होंगे वो डिजीज फ्री होंगे। डिजीज फ्री क्यों होंगे, क्योंकि हमने इन विट्रो कंडीशंस में क्या किया है प्लांटलेट ग्रो किए हैं, लेकिन उसके बाद जो हम सॉइल यूज करेंगे वो भी हमें स्टरलाइज करनी होगी, क्योंकि बाद में भी खतरा रहता है कि जो कि हम उसे फील्ड में जब लेके जा रहे हैं तो वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आते हैं, और डायरेक्ट एनवायरनमेंट में आने से जो एयर में जो उसकी स्पोर्स होते हैं जो कि डिजीज फैलाने के लिए अफेक्ट उत्तरदायी हैं, वो अफेक्ट कर सकते हैं प्लांट्स की ग्रोथ को। सबसे पहले मॉरेल और मार्टिन ने 1952 में वायरस संक्रमित डेलिया के 100 माइक्रो लंबे प्रोग्रामों का कल्चर करके वायरस मुक्त पौधे प्राप्त किए थे, यानी कि वायरस फ्री जो कल्चर है वो सबसे पहले सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस किया था
मॉरेल और मार्टिन ने। इसमें वैरायटी ऑफ आपकी स्पीशीज हैं, जैसे आलू है, गन्ना है, और कई स्पीशीज हैं जो कि मोस्टली हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, लेकिन वायरस या वायर्ड या माइक्रोप्लाज्मा है, और कहीं कहीं हमारी फंगी है, ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक प्लांट की ग्रोथ रोकने के लिए। जैसे इसमें हमारे चार्ट में हम देखें तो टॉप बर्ड है और ये एक्सिलरी बर्ड है, ये डिजीज प्लांट है। उसके बाद हमने इसे हीट थेरेपी से क्या किया, 4 वीक्स तक, उसके बाद उसके हमने शूट एपेक्स लिया, और शूट एपेक्स को क्या किया, इन विट्रो प्रोपोगेट किया। इनमें अलग अलग टेस्ट होते हैं, सेरोलॉजी, इंडिकेटर प्लांट्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी 2 तरीके होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर नेगेटिव है इसका मतलब वो, अगर रिपोर्ट नेगेटिव है इसका मतलब क्या है वो, फिर हम इसे फर्दर जीन बैंक में कन्वर्ट कर देंगे। अगर पॉजिटिव है तो उसको हम फिर डिस्ट्रॉय कर देंगे। और नेगेटिव में हम या तो जीन बैंक में या फिर उनको हेल्दी सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर उनको हम प्लांट्स एंड ट्यूबर्स में कन्वर्ट कर सक करके डिस्पैच कर देंगे। हमारा नेक्स्ट है वायरस इंडेक्सिंग। ये भी एक तरीके के मेथड्स हैं जिससे हम हमारे वायबल सेल्स को इंटैक्ट वे में ले सकते हैं। देन हमका लिमिटेशन लिमिटेशन और उसके एडवांटेजेस, और फिर हमारा आएगा सोमाक्रोमन वेरिएशन।